हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गौरव स्कोप। और आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं सुबह सुबह डल लेक के सामने खड़ा हूँ। मॉर्निंग की अजान चल रही है, सुबह के यहाँ 5 बजे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंड हो रखा है मेरा, बहुत ही पीसफुल मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सुबह का नज़ारा है डल लेक का। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे कश्मीर में, और ये डल लेक के सामने का गेट है, जो छोटा सा गेट आपको सामने दिख रहा है, ये गेट जो है, ये डल लेक का एक गेट है, ऐसे कई गेट हैं डल लेक के। यहाँ से आपको जो है शिकारा जो बोट मिलती है, और ये सामने आपके सारे होटल हैं, शमाया होटल, शामियाना, रमजाना, ये सारे होटल्स आपके हैं। और ये जो आपकी लेन है यहाँ पे, ये पूरी हाउस बोट्स की लेन है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो अगर आप डल लेक आते हैं तो डल लेक में आपके पास होटल्स और उसके दोनों के ऑप्शन हैं हाउस बोट के। अगर आप लेक के इस साइड रहते हैं तो आपको होटल्स भी मिलेंगे, और इस साइड अगर आप लेक के अंदर आके पानी के अंदर रहना चाहते हैं तो ये आपका जो है सारी हाउस बोट है जिनके अंदर आप रह सकते हैं। देखिए पीछे भी बनी हुई है, इनमें शिकारा भी होता है जिसके थ्रू आप इधर से आप ट्रैवल करके उस साइड नदी के जाते हैं और फिर उधर से वापस हाउस बोट में आते हैं। तो यहाँ पर आपका शिकारा एक रहती है जो आपको असिस्ट करने के लिए होती है, इस पोर्शन में आपकी हाउस बोट के साथ रहती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप जब भी शिकारा से उधर जाएंगे पॉइंट पे और वापस आएंगे तो आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और कितनी भी बार आप आना जाना कर सकते हैं। मार्केट से आपको सामान लाना है, मार्केट में आपको घूमना है, कुछ भी करना है, तो आप उस सब के लिए आपके पास शिकारा होती है। दोबारा आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत कश्मीर इस टाइम लग रहा है सुबह सुबह। पहली सुबह है मेरी कश्मीर की। ऊपर जो पॉइंट आपको ये दिख रहा है, ये पॉइंट जो है आपका, ये आपका टावर सिग्नल है, और इसके अगर आप यहाँ देखें ये पार्ट, इसमें आपको 3-4 लाइटें दिखेंगी चलती हुई। ये शंकराचार्य टेम्पल है यहाँ का। ये देखिए सुबह सुबह कितने खूबसूरत बर्ड्स यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये गाइस शंकराचार्य टेम्पल है जो आपका बहुत ही यहाँ पे फेमस है, हिंदू लोगों के लिए जो आते हैं यहाँ पे, मान्यता करते हैं, वो यहाँ पे ज़रूर विजिट करते हैं। तो अगर आप भी आते हैं तो इस शंकराचार्य टेम्पल को विजिट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी यहाँ से फिर अब आप डल लेक में श्रीनगर में रुकने के बाद अब यहाँ से शालीमार गार्डन, निशान गार्डन जो है आप जा सकते हैं आगे। निशान गार्डन, शालीमार गार्डन जाने के बाद आप अगर उसके आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपका एक गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, ये 3 जगह है। अब यहाँ से हम गुलमर्ग आज जाएंगे, तो मैं आगे अब आपके साथ वो देखिए सुबह सुबह आपको शिकारा दिखेगा अगर आप ध्यान से देखें। ये देखिए ये सुबह सुबह शिकारा अपने पॉइंट पर जाता हुआ, ये आपका शिकारा सुबह सुबह अपने पॉइंट पर जाएगा और वहां जाके ये रुकेगा। ये देखिए लाइट थोड़ी कम है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। ये देखिए वो चढ़े और अपनी शिकारा को बांध दिया। सो गाइज आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं खड़ा हूँ इस टाइम डल लेक के बिल्कुल सामने, कश्मीर की डल लेक है। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा कि किस तरीके से आप जब कश्मीर आते हैं, जब डल लेक आप आते हैं तो आपको यहाँ पे किस किस तरीके से घूमना है, किस किस तरीके से आप घूम सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो अगर आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आपको टैक्सी का ऑप्शन भी है, बस का ऑप्शन भी है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की थी। तो टैक्सी का ऑप्शन आप ले सकते हैं, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ज़रूर टैक्सी का ऑप्शन लें। और जैसे अगर आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ साथ है, या अगर आप 3-4 दोस्त आ रहे हैं तो आपको पूरा ओवरऑल आप टैक्सी में घूमते हैं तो पर पर्सन जो है इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप सोलो आ रहे हैं तो टैक्सी आपके लिए थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि अगर आप, मैं जैसे सोलो ट्रैवल पे आया हूँ तो टैक्सी पे ट्रैवल करना मुझे अराउंड 10,000 मुझे पड़ता अगर मैं सारी जगह के लिए टैक्सी लेता। तो आप उस चीज़ को भी अवॉइड करें, टैक्सी अगर आप सोलो आ रहे तो ना लें। टैक्सी का अगर आप रूट लेते हैं तो आपका 10,000-12,000 के करीब जाएगा, अगर आप सोनमर्ग, गुलमर्ग या फिर पहलगाम और श्रीनगर, ये 4 में से 3 अगर ऑप्शन आप लेते हैं और सारी जगह जाने से लेके आपके एयरपोर्ट वापस आने तक 10,000-12,000 तक आपका अमाउंट जो है वो आएगा। और उसके बाद फिर बात अब आ जाती है गाइस सोलो ट्रैवल की।
तो सोलो ट्रैवल के बारे में बहुत लोग सोचते हैं कि हमें सोलो ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सेफ है नहीं है, कितना सेफ है। स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि कितना सोलो ट्रैवल करना सेफ है। तो गाइस ऐसा है कि रिस्क तो थोड़ा रहता ही है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप सोलो ट्रैवल में स्पेशली गर्ल्स जो हैं कम्यूट कैसे करते हैं और आप किस तरीके से आप किस जगह जा रहे हैं, किस स्टेट में जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों, ये भैया हमारे आ रहे पीछे से, चले 5 मिनट दे दो, 5 मिनट बस वीडियो बना लूँ, हाय बोल दो आप भी। अच्छा ये भैया है, इनकी हाउस बोट का नाम क्या भैया आपकी? तैमूर, तैमूर। तैमूर हाउस बोट है। डल लेक का गेट नंबर कौन सा है? ये गेट नंबर 1 है पीछे, अगर आप देखें तैमूर हाउस बोट है भैया की, और ये गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने है डल लेक के। तो आप में से जितने भी लोग अब कश्मीर आएंगे भैया की हाउस बोट में आप जरूर आके रुके, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ और यहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। जैसे कि गर्म पानी मुझे आराम से मिला था, खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और चाय टाइम पे, गर्म पानी टाइम पे, रूम बहुत साफ़ थे, हाउस बोट बहुत अच्छी थी। हाउस बोट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी साफ़ है और कितनी सुंदर है। और ये बिल्कुल मार्केट के सामने है, तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ से सीधा शिकारा में जाके रोड पे अपना वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उसके बाद वापस आप शिकारा में आ सकते हैं। शिकारा भी इनके हाउस बोट के साथ ही होती है। और भैया आपका एक बार नंबर बता दो जिस पर कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। 700 7006 6 59 59 70 70 77। तो ये भैया का नंबर है, और जब भी आप आते हैं तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, और डायरेक्टली गेट नंबर 1 के सामने इनको आप कॉन्टैक्ट कीजिए जब भी आपको श्रीनगर यहाँ पे डल लेक पे आना है। और यही आपका ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट भी करा देंगे गुलमर्ग जाने के लिए और पहलगाम और सोनमर्ग जाने के लिए, जो यहाँ से आप जाते हैं। जब आप एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तब टैक्सी ना लें, क्योंकि वहाँ पे आपको मे बी लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव पैसे बोलें। देखिए कितना सुंदर रूम है, कितना सुंदर आर्किटेक्चर है। आप होटल के रूम्स में तो वैसे भी रुकते होंगे, लेकिन यहाँ के रुकने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये रूम्स डिवाइडेड होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये, और मेरा कमरा है तो थोड़ा फैला हुआ है, सो सॉरी फॉर दैट। और ये लाइट्स इसमें लगी हुई हैं, बहुत ही शांत एम्बियंस है, जैसे आपका मुगल एरियाज में होता था। और ये इसका बेड है, और ये बेड की खासियत है कि ये बेड जो है ये इलेक्ट्रिक बेड है, तो इस बेड के नीचे जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जिसकी वजह से पूरा बेड जो है रात को गर्म हो जाता है, तो आपको ठंड नहीं लगती, और ये नीचे से पूरा गर्म रहता है, तो आपको सोने में कोई दिक्कत नहीं आती। और ये इसकी लाइट्स हैं, ये इसका सुबह सुबह, जैसे कि आप, अगर आपको आवाज़ इसमें सुनाई दे सक दे रही होगी, तो सुबह सुबह यहाँ अजान 5 बजे चालू हो जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर। ये देखिए ये रूम का यहाँ से व्यू है, अजान सुबह सुबह चालू हो जाती है, तो आपकी सुबह जो होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी शुरुआत पे होती है, बहुत ही अच्छा मूड रहता है आपका। और ये इसका वॉशरूम है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वॉशरूम भी काफ़ी साफ था। ये वॉश बेसिन है, ये आपका इसका, अगर आप देखें, बाथ टब है जिसपे एक कर्टेन अटैच हुआ हुआ है, और इसमें आप बाथ भी ले सकते हैं आराम से, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बकेट भी आपकी नेसेसिटी के लिए, तो सारी चीज़ें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शावर वगैरह सब इस हाउस बोट के अंदर है। तो आप जब भी हाउस बोट के लिए आप आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, रुक सकते हैं, और कोई भी चीज़ अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इस पर रिप्लाई करूँगा। यहाँ मिल जाएगा भैया कुछ? यहाँ रुकोगे? यहाँ तो लग नहीं रहा चाय कॉफी कुछ मिलेगा। आगे चाय, आगे। अच्छा आ गया। अरे तो बहुत बड़ी मार्केट है। ये तो बस यही हो सकता है कश्मीर में कि पक्षी आपके ऊपर आके बैठ जाए। ये इतने पालतू हैं कि आपको खाना लेने के लिए ये आ जाते हैं ऊपर बैठ के। क्या डालूं भैया इसे? क्या खाता है ये? ये कुछ भी खाएगा।
चिप्स थोड़ी खा लेगा, खाएगा कुछ भी, कुरकुरे खाते हैं यहाँ पे, यहाँ नहीं खाएगा, वापिस आएगा ले खा के और भी लेके आएगा। अभी आएगा, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जन्नत जिसे धरती की कहा जाता है कश्मीर आज पहुंच गया हूं और मैं इस टाइम डल लेक पे बैठा हुआ हूं और वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है कश्मीर। अपने जिसे कहते हैं कि बातों पे खरा उतरा है और बहुत अच्छी सुंदर जगह है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे डल लेक है पूरा। नहीं नहीं भैया बस, नहीं 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 थैंक यू भैया, नहीं नहीं तैयार रहेगा, बनाओ कुछ, नहीं नहीं भैया थैंक यू, हाँ थैंक यू भैया। कश्मीर है और अच्छा गाइस, अब मैं लोगों से बात करूंगा थोड़ा डल लेक के बारे में, यहाँ पहुँचने के बारे में, यहाँ पे जो टाउट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, दे आर काइंड ऑफ जो टाउट्स जो यहाँ पे हैं, दे आर वेरी, दे आर गोइंग टू बी लाइक, दे आर गोइंग टू मेक यू पे मोर एंड मोर। सो मैं बात करूँगा कि आप ट्रैवल कैसे करने वाले हैं, अगर आप बाय प्लेन आएंगे तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको रहेगा कि आप प्लेन से आएँ, क्योंकि बाय प्लेन अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बाय प्लेन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका बाय प्लेन अगर आप आते हैं तो यहाँ आपकी टिकट्स जो हैं सही रेट में हो जाती हैं, ज़्यादा महंगी टिकट्स नहीं हुई हैं और आने की आपको सरदर्द नहीं रहती, थोड़ा टाइम लगता है। जब आप जम्मू एयरपोर्ट उतरेंगे तो आपको बाहर एक टैक्सी स्टैंड दिखेगा, इस वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से चीज़ें नोट करें, जब आप जम्मू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको बाहर एक सबसे पहले आपको दिखाई देगा टैक्सी स्टैंड जो बिल्कुल निकलने के साथ ही गेट के साथ है। अगर आप उन लोगों के पास जाते हैं और टैक्सी बुक करवाते हैं तो आपकी जो टैक्सी की अमाउंट रहेगी वो आपकी रहेगी, वो आपको चार्ज करेंगे, तीन चार दिन अगर आप घूमते तो आपको 10,000-12,000 रुपये का कोट आपको देंगे कि इतना आप ले, इतना आपका लेगा, उतना आपका लेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने ज़्यादा जो आपका अमाउंट है, इतने ज़्यादा पैसे ना फूकें और इस पैसे को और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे कि मैं बताऊँगा कि आप इसको, ये देखिए जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सारी हाउस बोट हैं, सारी हाउस बोट हैं जो चलती आ रही हैं। लाइटिंग का थोड़ा पंगा है क्योंकि यहाँ बर्फ़ गिरी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है कश्मीर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है यहाँ पे हाउस बोट हैं काफ़ी सारी, तो आप टैक्सी स्टैंड जब देखेंगे तो टैक्सी स्टैंड पे आपको दिखेगा कि बाहर जाके एक टैक्सी स्टैंड है जो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ ना करें जो आपका प्राइवेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको चार्ज होगा, 10,000-12,000-15,000 कोई सेंस नहीं है आपको सिर्फ टैक्सियों में फूकने का। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो जैसे कि मैंने अब यहाँ से बस ली थी डल लेक के लिए, वैसे अगर आप टैक्सी से तो आपको 500 रुपये चार्ज करती है, लेकिन मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट लिया, लोकल लोगों से मुझे ज़्यादातर चीज़ें पता चली कि कैसे कहाँ कहाँ जाना है कश्मीर के बारे में, तो चीज़ें पता चली और 70 रुपये मेरे खाली लगे डल लेक पहुँचने में। अब डल लेक पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको हाउस बोट का ऑप्शन भी है रहने के लिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे, ये सारी आपके हाउस बोट हैं जो पीछे चल रही हैं। सो गाइस ये है कश्मीर की फेमस, क्या नाम है भैया इसका, काना कहवा, ये कहवा है कश्मीर का जो बहुत ही ज्यादा फेमस है यहाँ पे खाने की चीज है, इसको पर्सन टी कहते हैं। कितने साल से चलती आ रही है भैया, 100-200 साल, ये 250-300 साल से पहले से कश्मीर का लोकल फूड है जो चलता आ रहा है, और इसमें केसर बादाम और ये सारी चीज़ें होती हैं, मीठी है पीने में, बहुत अच्छी है, मैंने पी अभी। और है भैया अगर आप यहाँ से लेके भी जाएगा ना इसका, हाँ मसाला वसाला आप जी 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 घर में भी बना सकते। इसका क्या नाम है भैया, इसका इसका हलवा नाम है, ये कश्मीर का हलवा है, मतलब ये यहीं पे बनता है, यहीं फेमस है खाने के लिए जी जी। और ये किस चीज़ के साथ देते हो, ये है रोटी, अच्छा ये रोटी के साथ है, तंदूरी रोटी के तंदूरी साथ रोटी। तो ये आप मतलब कितने साल से लोग यहाँ खा रहे हैं, कितना टाइम से, शुरू से ही मतलब जैसे आपकी
शिकारा राइड चल रही है सारी, तब से सब एक ही हिसाब से सब चल चलता जा रहा है। अच्छा, और जैसे भैया किसी को आना हो अगर आपके पास खाने, तो ये कौन सी जगह है, क्या आप बोल सकते हैं? ये लाल चौक है। अच्छा, लाल चौक में कहाँ पे बैठते हो भैया? घंटा घर के सामने है ना ये, घंटा घर के सामने छतरी के नीचे। और इसका क्या नहीं दाखिल भैया, कोई आए तो उसको कम से कम पता हो ना कि कहाँ पे आ रहा है। ये लाल चौक है, पूरा लाल चौक का घंटाघर है ये, और इसके नीचे ये छतरी के नीचे भैया बैठते हैं। इसका क्या रेट है भैया? ये 30 रुपए का प्लेट है। 30 रुपए पर प्लेट है। ठीक, 20, 20, 20। तो जिसको भी जाना है यहाँ पे, जो भी ट्रैवल करना है वाला है कश्मीर, तो ये भैया के पास आके खा सकता है। और ये 20-30 रुपीज़ पर प्लेट है भैया का। ये 550 के हैं। एक बार इसको थोड़ा सा मैं वीडियो भी दिखा दूँ ना, ताकि थोड़ा सा यहाँ नेट कहाँ चलता है। नहीं, मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जाकर दिल्ली में मैं डाउनलोड कर लूँगा। नेट वीडियो तो चलेगी ना, रिकॉर्डिंग तो होगी। इनके 550 रेट है। आपकी दुकान का नाम क्या है? हैंडलूम शॉप। हैंडलूम शॉप है। कोई नंबर है आपका जो कांटेक्ट किसी को करना हो तो, अगर आए तो? आप एक बार अपना नंबर बोल दो वीडियो पे, कांटेक्ट नंबर, जिससे बंदा आए तो आपको फोन कर सके कि मुझे शॉल लेने हैं। तो बिल रहेगा ना, हम आपको बिल देगा ना, हम आपको बिल देंगे। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ कोई बंदा घूमने आया, आपकी दुकान कैसे ढूंढे? कैसे ढूंढे, नाम ले, क्या नाम है आपकी दुकान का? हाँ, कार्ड दे दो, अब मैं कार्ड दिखा दूंगा उसमें, क्योंकि लोग जब कश्मीर घूमने आएंगे ना, तो मेरा चैनल है एक्चुअली यूट्यूब का, तो जैसे खाने का सामान हो गया, शॉल हो गया, लोगों को ये बस एक बार दिखा दो इसमें। ये कौन सी मार्केट पड़ती है? मीना बाजार। मीना बाजार डल लेक में ना। ये आपका नंबर है इसमें, थैंक यू। और आपने 150 से स्टार्ट बताया, 150 से। और आपकी वैरायटी कहाँ तक जाती है टोटल? कोई शुमार नहीं। 150, 450, 300, 550, 1000 तक आपका, और डेबिट क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी यहाँ पे हो जाती है।